कटरा में यात्रा को बढ़ने को लेकर नौजवानों ने वर्ल्ड टूरिज्म डे पर कटरा के मुख्य चौक पर जिला प्रशासन और श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड को लेकर नगर के युवकों ने अपनी नाराजगी बताते हुए कहा कि हिमाचल की तर्ज पर कटरा में यात्री और श्रद्धालुओं को आने की इजाजत दी जाए क्योंकि यात्रा का आंकड़ा 50,000 किया जाए जैसे पहले था और आने वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन की तरफ से विशेष पैकेज दिया जाए। नगर कटरा में हर संघ जिसमें होटल संघ, व्यवहार मंडल, ट्रैवल संघ व अन्य सब मिलकर विशेष पैकेज से यात्रा को सहूलियत प्रदान करे तब कहीं जाकर यात्रा का आंकड़ा बढ़ सकता है। कटरा में हर वर्ग मिलकर काम करे तब कहीं जाकर कटरा में यात्रा बढ़ेगी और व्यापार बढ़ेगा। लगभग पिछले 7 महीनों से नगर कटरा का हर वर्ग इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है। अगर नगर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर जूटी में पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों का व्यापार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। इस मौके पर युवा वरुण मंगोत्रा, मानव शतोदरा, मिखिल पादा, ईशान पादा, अर्जुन कुमार, पारस समोत्रा के साथ अन्य युवा मौजूद थे। कटरा से जे की खबर नाव के लिए रोहित शर्मा की रिपोर्ट। हमने हम किसी के अपोजिशन में नहीं है, यहाँ पे हम किसी के विरोध में यहाँ पे नहीं खड़े हुए हैं कि हम टूरिज्म का विरोध कर रहे हैं या किसी और का, किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी कटरा की यात्रा चलाई जाए क्योंकि हमारा कटरा टोटली यात्रा पे डिपेंड है। यात्रा यहाँ पे आएगी तो हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, चाहे वो होटल वाला हो गया, चाहे शॉल एसोसिएशन शॉल वाला हो गया, चाहे ड्राई फ्रूट वाला हो गया, चाहे घोड़े वाला हो गया, चाहे ऑटो वाला हो गया, चाहे ढोल ट्रैक पे ढोल बजाने वाला हो गया। छोटे से छोटा बिजनेस और बड़े से बड़ा बिजनेस हमारी कटरा में टूरिस्ट पर डिपेंड है। आज 7 से 8 महीने हो गए हम कटरा की यात्रा हम लोगों की बंद है। हम आपके माध्यम से एसडी सर को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी कटरा की यात्रा जल्द से जल्द चलाई जाए और हमारे कटरा में वो उनका एक दौरा होना चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के दौरे किए लेकिन हमारे कटरा में वो अभी तक कटरा में नहीं आए। हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि एसडी सर हमारे कटरा में आए और देखें कटरा हमारे पिछले 8 महीने से कैसे सर्वाइव कर रहा है। बिना बिजनेस के, बिना टूरिस्ट के हम लोग भूखे मरने की नौबत पर हम लोग आ गए हैं। लोग अपने घरों का सामान बेच बेच के सर्वाइव, ऐसी कुछ फैमिली है घरों का सामान बेच बेच के वो अपना गुजारा कर रहे हैं। जब उनको घरों का सामान भी एक दिन खत्म हो जाएगा फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, क्यों मजबूर कर रहे हैं एडमिशन की हम लोगों कटरा वालों को कि हम सड़कों पे आके ही वो लोग हमारी आवाज सुनेंगे, सड़कों पे आके हम विरोध करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का तभी वो हमारी आवाज सुनेंगे। हम आपके माध्यम से फिर एलजी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे कटरा में आइए, हमारे कटरा की हालत देखिए कि हमारे कटरा की हालत क्या किस जरिए से हम लोग कटरा अपना सर्वाइव कर रहे हैं। कटरा की यात्रा चलनी चाहिए। लखनपुर में आप पिछले दिनों सुन रहा है कि मगलोडगंज में पाँव रखने की जगह नहीं थी, शिमला में 60,000 टूरिस्ट गया, वो सारा टूरिस्ट हमारा वैष्णो देवी कटरा में आने वाला था लेकिन टेस्टों के नाम पे इन लोगों ने टूरिस्ट को वहाँ पे रोका हुआ है। टूरिस्ट घबरा के वो सारा टूरिस्ट डाइवर्ट हिमाचल को हो रहा है, हमारे कटरा को नहीं आ रहा। क्या इतनी बड़ी श्राइन बोर्ड, क्या इतना बड़ा एडमिशन टेस्ट हमारे कटरा में नहीं हो सकते यात्री के, क्यों जरूरी लखनपुर में उनको रोका जाए जो हमारे कटरा का टूरिस्ट हो, जो हमारे कटरा में वैष्णो देवी में आने वाला टूरिस्ट हो, उनके टेस्ट श्राइन बोर्ड को से एडमिशन चाहिए कि हमारे कटरा में हो ताकि हमारे कटरा का बिजनेस बढ़े ना कि हमारे कटरा का बिजनेस कहीं और जगह डाइवर्ट हो जाए।